Hey Jyoti, आपके पास दो पांच मिनट? हाँ जी। अपने पास अब दो बिल्लियां हो गई है ना? हाँ जी। एक का नाम रूबी है जो अभी अभी आई है, जिसका इंटेस्टाइन बाहर था और सर्जरी की गई है, और दूसरी का नाम जब तक ये दूसरी का नाम सिम्बा मेल है। ये सिम्बा का जो फुटेज है हमने रखी थी, कुणाल ने हटा दी क्योंकि उसको ना फुटेज इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। और रूबी के साथ तो बहुत गलत हुआ, उसकी किसी ने करा दी स्टरलाइजेशन और उसके बाद उसको छोड़ दिया बिना पोस्ट ऑप केयर किए, और जो हम बताते हैं वही हुआ, उसके इंटेस्टाइंस बाहर थे। उसके एक्चुअली ना एम्पुटेशन सर्जरी हुई थी और साथ में ही वो स्पे भी करवा दी, हालांकि कोई वो प्लान नहीं था उसके लिए स्पे पोस्ट ऑप केयर के लिए। अब ये ही ना चीज़ें कुत्तों के साथ भी होंगी, आप देखना। मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ, लखनऊ में या हैदराबाद में कहीं पे तो किसी बच्चे को कुत्तों ने अटैक कर दिया। अब वो एक केस इतना हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पे, अब लोग पीछे पड़ गए हैं और फिर गैर जिम्मेदाराना आर्टिकल शुरू हो गए हैं। एक तो डाउन टू अर्थ जो कि अच्छी पब्लिकेशन है, वहाँ पे किसी ने कुत्तों के अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखा, और अब क्या होगा, गैर जिम्मेदाराना है। केरल में तो वो कुत्ते मारते ही हैं, और इधर उधर जो है बेकार की स्टरलाइजेशन शुरू कर देंगे, जैसे कि करी और छोड़ा, करी और छोड़ी, और फिर यही होगा, आपको कुत्ते दिखेंगे इन आंतड़ियां बाहर, रेदर देन की मतलब तरीके से सिस्टमेटिकली एनजीओस के साथ मिल के स्टरलाइजेशन हो। और वो तभी हो सकती है जब लोग चैन से कुत्तों को खाना तो खिलाने दें, उन्हीं कुत्तों को फिर हम पकड़ के स्टरलाइज कर सकते हैं ना। तुम्हारा लेंस गंदा है, पता है ना, है गंदा, दिख रहा है, डस्ट है, अच्छे दिख रहे हैं इसमें। तो तीन नए रेस्क्यू आए ना हमारे, जिसमें ये है सबसे बड़ा कामला, सीधे रेस्क्यू हुआ था, पीछे दोनों पूरों में इंजरीज है ना, इसका नाम सुशील रखा है, बहुत शान बोला। ये इससे तुम डर रहे थे ना वेनू, ओ एक बहुत बड़ा बैल आ गया, दानव आ गया फार्म पे, तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे। नहीं डर रहे थे, आई जस्ट टोल्ड यू दैट इट्स बिग। मीडिया ऑफिस में बहुत ही बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ ना, इसकी पेट तरीके चल रही है क्योंकि डिहाइड्रेटेड। दूसरा ये है जो कल लेके आए रैत से, बुल है जिसको फ्रंट लेग पे पीछे वाले हिस्से पे कट है, डीप है, वो लोग बता रहे हैं शायद कीड़े लगे हुए हैं करके, तो अभी उसको लेने जा रहे हैं। ओहो रविंदर भैया ऑन द बैक ऑफ गाड़ी, आपको वापस गाड़ी चलाते हुए देख के बहुत खुशी हो रही है। पूरा देख क्या बना दिए यार, देखो बाल, देखो ये दोनों नहीं है, ये वाला नहीं है। सॉरी ब्रदर्स, हमने आपको डिस्टर्ब किया। वीडियो बना रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, लोग देखेंगे तो लोगों को भी दिखेगा ना, तो वो भी हमें फोन करेंगे। हाँ यहाँ पे वेट किया था, इतना देखा देखा लग रहा है, है ना, मुझे भी लगा कि हम उसको पहले लाए हैं। ये दानू जैसा लग रहा है क्या? नहीं सर, डार्टगन का प्रयोग नहीं करना पड़ा इसके लिए, ये बैठा था, फिर हमने इसके आगे गाड़ी लगा दी, हाईवे पे था, गाड़ी लगा दी, फिर रस्सी डाल दी। तो एकदम फिल्मी तरीके से गाड़ी लगाई? नहीं, पहले जाके देखा। तेरा हाथ अब पूरी तरह हो गया ठीक? नहीं। हाँ ठीक है, मतलब पहले तूने वो उतार क्यों दिया? खुद ही उतार दिया या डॉक्टर ने कहा था? ये वाले बुल सूत्रा को जब लेने गए थे उस टाइम पे भी पूरा बाहर बुल को उठा के लाना पड़ा ना, तो उसमें जब नहीं जाना चाहिए उठाने के लिए आगे, तो हुआ पे हुआ कुछ तेरे साथ? नहीं, लेकिन वो उठा तो रहा था ना, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ाना था ना बुल को। सॉरी, बहुत ही हल्ला हो गया। देखो ये यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर भी ये लोग बेचारे कितना हल्ला करते हैं, ये हल्ला हमारे से सुना भी नहीं जाता, स्लॉटर हाउस में तो न जाने क्या ही होता होगा। ये फोन पे खड़े होके बतिया रहा है 15 मिनट से, अभी फोन आया था। तुम कभी फोन पे रहते हो, शूट नहीं करते, शूट करते हो, ऑडियो नहीं आता, क्या है ये? कभी तुम छुट्टी पे चले जाते हो? गुड यार, गुड। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी बहुत अच्छी है, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मिलके आपसे। मैं हमारे यहाँ पहले वर्क एक्सचेंज कर रही थी ना, और एनिमल एनरिचमेंट के लिए, और अब ये मेरी जेन को लेने आई हैं। वो डॉग कैसे आपने इधर से अडॉप्ट किया था, नाम क्या? ललित। ललित, यस ललित बहुत अच्छा है, वो अभी मेरे घर का राजा है। वो बाइक पे घूमने जाता है, स्ट्रीट डॉग को फीड करवाने जाता है, और जहाँ उसकी मर्जी होती है बस। ये भी मेरे साथ जा रही है, तो मैं इसके साथ अपना बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, ताकि ये मेरे साथ ट्रैवल कर सके अच्छे से। फाइनल हो गया सब? हाँ, मिल गया अपन, एक्सेप्टेड। मैं आपको छुटकी बुलाऊंगी, छुटकी, मेरी छुटकी। फाइनल एक राजा यहाँ से गया है, एक रानी जा रही है अब। और हमारी वो बिल्ली कैसी है? रूबी।
रूबी से पहले वाली। सिम्बा बेटर है, काफी बेटर है। जो उसकी आंख लगभग निकली हुई थी, जो बहुत ज्यादा सूजन थी वो कम हो गई। हालांकि अभी भी उसको दिखता नहीं है प्रॉपरली उस आंख से, बहुत बेटर है। बस आंख का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम कर रहे हैं मैनेज, है ना। तो हमारे को ना स्पेस के साथ साथ समय की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और एक हम लिवर फंक्शन किडनी फंक्शन टेस्ट बाहर से कराते हैं, तो जितने पैसे हम बाहर खर्च चुके हैं टेस्टों पे, तो हमें लग रहा है हम अपनी मशीन ले ले तो सस्ती पड़ेगी। ठीक है, मुझे डॉक्टर हिमांशु से करनी है बात, तो वो तो हम ऑफ कैमरा ही करते हैं। एक चीज़ एक्चुअली मुझे पूछनी थी, जो थी फ्री होती है मैं पूछता हूँ। सॉरी चाचू आज चला जाएगा वापस, ये रहा चाचू। हाँ मैं कह रहा था कि चाचू आज चला जाएगा। नहीं ना, एंड अभी भी है इन्फेक्शन थोड़ा, तो जब तक कम्प्लीटली इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता हम उसको नहीं छोड़ सकते, और उसकी एंटीबायोटिक्स चल रही है अभी। ये लोग ना लड़कियों की सर्जरियाँ ज़्यादा अच्छी करते हैं। लड़कों की सर्जरी जब होती है कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आती है। लड़कों के साथ ऐसे ही होता था। लड़कियों में बराबर बराबर कॉम्प्लिकेशन आती है या लड़कियों में कम आती है? उसमें तो हम पूरा क्लोज कर देते हैं ना, इनमें पूरा क्लोज नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि फ्लूड इतना बनता है अंदर, तो इन्फेक्शन के चांस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। ओके जी, त्रिकोण से तो तुम ही मिले आए हो पीछे। भैया क्या हो गया त्रिकोण को? त्रिकोण तो परसों ठीक था, लूज मोशन लग गए कल से, तो बैठ गया फिर ये दर्द का बैठा ये। शायद एक डायरिया है और शायद एक नया घायल यहाँ। उठने की कोशिश करनी। ये तो बहुत पतला हो गया ना है साहिल, थोड़ा सन साहिल, हम ये पराली को डाल रहे हैं इसके नीचे ताकि पांव स्लिप ना हो उसका। बहुत कमजोर है, आर्थराइटिस है, सीवियर पेन है, और उसके साथ साथ में उसका जो रिब्स वाला हिस्सा है वहाँ पे शायद किसी ने चोट मारी है उसको ना। दीदी रे को रिलीज कर रहे हैं हम। ठीक हो गए? हाँ रे ठीक हो गया। नहीं पहना रही यार कॉलर, पता क्यों? क्योंकि फिर इसका वो होगा ना कि अगर थोड़ा सा अभी सॉफ्ट है ना स्किन उसकी, तो ये बनाएंगे तो और स्यापा ना। इसका ट्रीटमेंट इसको रहने देते हैं क्योंकि लोकल है और कभी भी इसको कॉलर पहना सकते हैं ना, जैसे वहाँ पे उसकी स्किन में बिल्कुल अच्छी तरह बाल आ जाएंगे। ठीक है अब चल घूम करके आ जाए। आप क्या कर रहे हो वापस वहाँ पे? सर अभी तो घर पे ही रेस्क्यू चल रहा है, शेल्टर चल रहा है छोटा सा। नहीं आना, कितने कितने 35 कुत्ते इकट्ठे कर लिए हैं। कितनों की सर्जरी कितनों की करा दी उनमें से? 10 की मैंने सर्जरी करवा दी है और अभी मेरे सारे डॉग रिकवर है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम निकाल के आ पाई। तो अभी कौन ध्यान रख रहा है डॉग्स का? मम्मा और भैया, छोटे बच्चे हैं वो अपने में ही मस्त है, बड़े डॉग है वो पलंग पे ही, बस उनको ये है कि हमको सोने दो। एक्चुअली ये पॉइंट अच्छा है, जो बूढ़े डॉग्स है ना वो अडॉप्शन के लिए अच्छे हैं भाई, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, एनर्जी नहीं इन्वेस्ट कर सकते उनको, तो भाई अपना सोने की एक जगह चाहिए, दिन में जरा सा खाना चाहिए। वो तो ऐसे डिमांडिंग भी नहीं है कि हमें घुमाने लेके जाओ हमारे साथ खेलो। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम जो लोग डॉग अडॉप्ट करते हैं ना वो पपी के बजाय बूढ़ा डॉग अडॉप्ट करें तो बेटर है। सर जिलमिल होगी एडजस्ट? अभी तो इसको समझ में आ रहा है खेत में कहाँ नहीं जाना, चूल्हे पे चढ़ना नहीं है, किचन में घुसना नहीं है, कौन कौन से ऑफिस फ्रेंडली है, थोड़ा फिगर आउट करेंगे। ओए चल आजा जिलमिल। सहेल भाई यहाँ किस लिए आए सेंचुरी में? सेंचुरी में किस लिए आए? वो वहाँ पे पेड़ ज्यादा धूप नहीं आ रही थी, मैं सोचा धूप सेक आते। अरे बताओ ना। रे भैया वापस अपनी जगह पहुँच गया है एंड डूइंग बेटर, और ये राधा का डॉग है रायन जो उसको हरास कर रहा है। चलो बाय रे, सी यू, गुड लक। गुड लक सर। एक एक पिक्चर लेना पड़ेगा? ऑफ कोर्स। अबे यार अब मेरे को भी लेना पड़ेगा क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगा, उसने फोटो नहीं ली मेरे साथ, देखना मेरे पास और चीजें नहीं है तुम्हारी सोचने का, उसने समय में ये नहीं किया वो नहीं किया, फोटो के लिए कोसूंगा तुम्हें।
अमन यहाँ पे 2 साल लगा के जा रहा है, देवाशीष ने साल लगाया। पीपल फार्म एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो बड़े सारे यंग ब्लड को अट्रैक्ट करता है। उन्हें होता है भाई यहाँ पे कुछ अनुभव करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस दौरान वो प्रोजेक्ट की भी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट अगले 50-100 साल तक चलता रहे, तो हमें वो लोग चाहिए जिनके पास अनुभव भी है, स्किल्स भी है, और जिनके लिए एक सीढ़ी नहीं एक सपना है। जब हम वहाँ पहुंचे थे लोग इकट्ठा थे, बहुत ज्यादा पेन में लोग, बहुत ज्यादा। एक एक्सीडेंट हुआ है, देखा तो हमने भी नहीं। अच्छा नहीं, नहीं। दोनों पैरों में चोट है। आगे का एक बिल्कुल कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। थैंक यू भैया। ओके सर। क्या हुआ रॉबिन? मैं भी अपनी इवनिंग वॉक से वापस आ रहा था। डॉग सारे भौंक रहे थे ना। मोना जो जिसका पिक ट्रैप फंसा था, वो यहाँ पे खुली घूम रही है, वो केनल तोड़ के बाहर आ गई। आपकी साइड आ गई तो आप फाड़ देती है, सामने ब्लैंकेट लगा वो भी फाड़ देती है, खींच के चाहती क्या है, बेड अपना फाड़ देती है। और फंडे वैसे तो रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा रहता है, पर जो अगले दिन हुआ वो बहुत ही क्रेजी था। उसका हम एक अलग से वीडियो बना के मंगलवार शाम को डालेंगे, ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और YouTube आपको उसके बारे में नोटिफाई करे। तो उसके लिए पक्का कर लीजिए, आपने इस वीडियो को लाइक किया, आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है। वैसे तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक ब्रॉडकास्ट का लिंक भी डाला है, जब आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे।